नमस्कार, ज़ेराज़स्तान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर ये कि किरोड़ी लाल मीणा को एसएमएस अस्पताल लाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एसएमएस की इमरजेंसी में मीणा को भर्ती कराया गया है। गोविंदगढ़ अस्पताल से एसएमएस रेफर किया गया था उन्हें, जहाँ अब भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएमएस की इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भर्ती कराया गया है। इससे पहले गोविंदगढ़ अस्पताल गए थे, जहां से उन्हें एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया और यहां पर इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया है। तो किरोड़ी लाल मीणा के अस्पताल पहुंचने की जैसे ही जानकारी मिली, तमाम जगहों पर जो है अब सियासत गरमाई हुई है। उनके समर्थकों के भी पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। फिलहाल उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। गोविंदगढ़ अस्पताल से उन्हें रेफर करने के बाद यहां भेजा गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किरोड़ी लाल मीणा जो है अस्पताल पहुंचे, उसके बाद किस तरीके से वहां लोगों का हुजूम देखने को मिला। समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए। कई बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर चल रहा है। फिलहाल उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो तबीयत बिगड़ी है किरोड़ी लाल मीणा की। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसएमएस में भर्ती हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। दौसा में हाईवे को जाम कर दिया गया है। समर्थकों की तरफ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर समर्थकों की तरफ से हाईवे पर जाम लगाया गया है। समर्थकों की नारेबाजी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसएमएस के बाहर किस तरीके से समर्थकों का हुजूम जो है वहां पर पहुंचा हुआ है और जोरदार नारेबाजी वहां पर चल रही है। और चौथी तस्वीर में आप देखिए, पुलिस के साथ गहमा गहमी की स्थिति भी बनी हुई है। तो ये तमाम तस्वीरें आज जो हलचल है उस पूरे हलचल को बयां करती है। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा और पुलिस कर्मी के जो बीच जो है पुलिस अधिकारियों के साथ गहमा गहमी हुई थी, और उसके बाद जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी अस्पताल लाया गया, समर्थकों का जो है अब गुस्सा सड़कों पर आने लगा है। एक कदावर नेता के साथ इस तरह का दुस्ता है, जो विरंगनाओं की लड़ाई लड़े, गांधीवादी तरीके से लड़े, अकेले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार राजस्थान के राजनीति में नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर इस प्रकार का हम संज्ञान लेंगे और सरकार को जो कुछ भी कार्रवाई की राज्य के गृह मंत्री के कहने पर की, राज्य के गृह मंत्री मुख्यमंत्री है। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, इसमें अस्पताल में है, मौजूद हैं आशुतोष। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है, चिकित्सकों की तरफ से कोई जानकारी? देखिए, स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से उनका सामान्य बताया गया है। तमाम तरीके की जो जांच है वो उनकी की गई है। अब से कुछ देर बाद में उनके जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि हमारी बातचीत हुई है, अभी तमाम जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो अस्पताल के जो इमरजेंसी के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बातचीत हो गई है। बात करें कि अब आंदोलन का क्या होगा, जहाँ तक बात करें राजेंद्र राठौर हैं जो, वो बाहर आएंगे उसके बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पूरे आंदोलन की आगे की जो रूपरेखा है वो क्या कुछ रहने वाली है। क्योंकि राजेंद्र राठौर भाजपा से और अरुण चतुर्वेदी दोनों ही इस वक्त अंदर मौजूद हैं, लगातार उनकी बातचीत चल रही है। जाहिर है विचार विमर्श भी चल रहा होगा, क्योंकि जो तमाम समर्थक हैं वो इस वक्त आंदोलन के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को और तेज किया जाए, और इसीलिए तमाम समर्थकों के बीच में पहुँचे थे राजेंद्र राठौर जो हैं इस वक्त। ये देखिए, ये जो समर्थक हैं उनको बाहर करते हुए धक्का मुक्की की जो स्थिति है वो यहाँ दिखाई दे रही है। पुलिस जबरन जो राज्यसभा सांसद हैं उनके समर्थकों को बाहर करती हुई, यहाँ से एसएमएस अस्पताल का जो परिसर है उसको पूरी तरीके से बाहर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया है, जो समर्थक हैं उनको एक एक करके गाड़ी में बिठा लिया गया है, और अब यहाँ से उनको पूरी तरीके से, यानी कि एसएमएस अस्पताल का जो परिसर है उससे हटाया जा रहा है। एसटीएफ की जो बड़ी संख्या में पुलिस है, एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। क्यूआरटी की जो टीम है वो पहुँच चुकी है। तकरीबन यहाँ पे इस समय 100 से 150 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनके जाब्ता को तैनात किया गया है। कारण है कि
पुलिस को भी कहीं ना कहीं इनपुट मिला कि संभावित तौर पे हो सकता है कि ये धरने को यहाँ कंटिन्यू किया जाए जयपुर में, या तो अस्पताल परिसर के अंदर कंटिन्यू किया जाएगा या आसपास कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन आशुतोष, चुनौती ये भी है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वहाँ समर्थकों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। देखिए फिलहाल तो यहाँ SMS अस्पताल परिसर से अच्छी खबर, राहत की खबर जयपुर पुलिस प्रशासन के लिए ये है कि तमाम जो समर्थक थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोलाल मीणा के, उनको पूरी तरीके से अस्पताल से बाहर कर दिया गया है। जो मुख्य समर्थक थे जिनके कंधों पर संभावित तौर पर ये जिम्मेदारी थी कि इस आंदोलन को आगे वो बढ़ा सकते थे, उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है, डिस्पर्स किया गया, यानी डिस्पर्स इसको समझे तो एक स्थान से अब दूसरे स्थान पर, किसी दूर स्थान पर जाके उनको छोड़ दिया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन को ये एहसास हो गया था कि किसी भी तरीके से जल्द इस आंदोलन के अंदर कोई नई रूपरेखा तैयार हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के नेता जो यहाँ पहुँचे उनसे जो बातचीत हुई समर्थकों की, उनसे पूछा उन्होंने खुले मन से कि आप क्या चाहते हैं, किस जगह आप चाहते हैं अपने आंदोलन को कंटिन्यू करना, तो पूरे अस्पताल प्रशासन पे जहाँ जहाँ समर्थक दिखाई दे रहे हैं उनको बाकायदा पकड़ के यहाँ से डिटेन करके डिस्पर्स किया जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि तकरीबन 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं और उतनी संख्या में समर्थक यहाँ पर नहीं थे। तमाम जो जयपुर पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं इस वक्त, उन्होंने हर एक मतलब चप्पे पे भी जो समर्थक बैठा हुआ है उसको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया है, और SMS अस्पताल का जो पूरा के पूरा जो परिसर है उसको राज्यसभा सांसद के जो तमाम समर्थक थे उससे खाली कर दिया गया है। 2 additional SP स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, एक जो IPS अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों ने अपना जो मोर्चा है वो संभाला है, और तकरीबन जो STF की टीम है और जो दूसरी टीम है उनके साथ में, देखिए पुलिस अधिकारी को ये मत करो आप, ये वर्दी इसलिए नहीं पहना रखी आपको, नारेबाजी की बात करते हो, करो ना गिरफ्तार, करना करो गिरफ्तार, हमें करो गिरफ्तार करो ना गिरफ्तार, हमें करो गिरफ्तार, बदतमीज आदमी, बदतमीजी हो रही है, खदेड़ने का काम कर रहे हो, बीमार आदमी के साथ परिवार के लोग नहीं आएंगे, बदतमीज आदमी कल आएंगे हम 11 बजे लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ सड़क पर बैठेंगे, क्या बात कर रहे हो, ये तरीका है इनका, बदतमीजों की हद हो गई, आपके सामने पुलिस ने हॉस्पिटल के अंदर लाठी चार्ज करके खदेड़ा, क्या गुनाह कर रहे थे वो, राजस्थान में संविधान की हत्या, राजस्थान में कानून की हत्या नहीं चलेगी, अशोक गहलोत मुर्दा बाद, अशोक गहलोत मुर्दा बाद, छोड़ जगमान को जगमान को छोड़ यहाँ पर जो पूरी तरीके से स्थिति है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है, जो गुत्थम गुत्था की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। भाजपा से राजेंद्र राठौर मौजूद है यहाँ पे, उनके समर्थकों को जब यहाँ घेरने की कोशिश की तो उनसे भी दुर्व्यवहार किया है, अरुण चतुर्वेदी है उनसे भी दुर्व्यवहार किया, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस ने पराकाश लगातार बर्बाद बदतमीजी कर रही है, शांतिपूर्वक 72 साल के व्यक्ति के साथ, जब लोग कुछ विषय कानून के साथ
पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं तो पुलिस झंडे के बल पर उसको दबाने का प्रयास कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है शांतिपूर्ण रखने को, ये किसी रूप में स्वीकार नहीं होगा। कल 11 बजे किसी तरीके कोई आप लोग समर्थन निश्चित रूप से अगर इस तरह का रहा तो सारे राजस्थान को जाम करेंगे उसको लेकर। मेरे को मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मुझे पकड़ के बंद करना चाहते हैं। मैं छोटा भाई हूँ, 1975 से उनके साथ हूँ, वो हर संघर्ष में उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनको अपना खून दिया है, मैंने जान दिए, मैंने उसके भाई के साथ रहा हूँ, मैं उसकी परिस्थिति समझता हूँ, वो गरीब बेइनहीन के